देश में इस समय दो मुद्दे सुर्खियों में हैं, एक शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का और दूसरा लखीमपुर की घटना का। इन दोनों ही मुद्दों पर देश का ध्यान है और मेनस्ट्रीम मीडिया का भी। आज इस वीडियो में बात इन दोनों ही मुद्दों में गोदी मीडिया की भूमिका की करते हैं। गुजरात में अडानी पोर्ट पर 3000 किलो ड्रग मिलने पर नाबाद करने वाला मीडिया कुछ किलो या ग्राम ड्रग एक क्रूज पर मिलने पर डिबेट करने लगा, क्योंकि इसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम शामिल था। मीडिया ने इस मुद्दे पर एक एक कर ऐसे डिबेट करनी शुरू की कि बाकी मुद्दों को छोड़ इसी मुद्दे पर ही बात होनी शुरू हो गई। वक्त की बड़ी खबर आ रही है, रेप पार्टी के आरोप में 8 लोगों को पकड़ा है। With the arrest of Shahrukh Khan's son, Aryan Khan. Aryan Khan was also present in a high profile cruise raid. It is my utmost responsibility to expose this muck. इसके साथ ही मीडिया में ये तक चलने लगा कि आर्यन खान ने जेल में क्या किया, क्या खाया, कितने बजे सोया और पल पल की जानकारी। आर्यन खान के पिता शाहरुख खान पर सवाल उठने शुरू हो गए। शाहरुख खान के पुराने वीडियोस भी शेयर होने लगे और मीडिया में चर्चा होने लगी। व्हाट्सएप पर और सोशल मीडिया पर उनका एक पुराना वीडियो वायरल होने लगा, जो बहुत जमाने पहले, वर्षों पहले उन्होंने किसी इंटरव्यू में ये कहा था कि वो चाहते हैं कि उनका बेटा वो सारे गैर कानूनी काम करे जो वो खुद नहीं कर पाए। वो चाहते हैं उनका बेटा ड्रग्स भी ले, बाकी चीजें भी करे। ये बात उन्होंने वर्षों पहले मजाक में कूल दिखने के लिए शायद टीवी पर कह दी होगी। उस समय उन्हें ये नहीं पता होगा कि कुछ वर्षों के बाद उनके मुंह से निकली हुई ये बात सच हो जाएगी और एक दिन वाकई उन्हें ऐसा दिन देखने को मिलेगा। लेकिन किसी भी पिता के लिए ये आसान नहीं होता कि उसके बेटे पर ड्रग्स के गंभीर आरोप लगें और फिर उसे उसी के सामने पुलिस गिरफ्तार करके ले जाए और उसे एक आम अपराधी की तरह पुलिस लॉकअप में कई दिनों तक रहना पड़े। BYJUS ने शाहरुख खान के सभी विज्ञापनों पर रोक लगा दी। सुदर्शन न्यूज के पत्रकार सुरेश चहांके ने ट्वीट किया कि वे शाहरुख खान के द्वारा प्रमोट किए जा रहे ब्रांड्स का विरोध करेंगे, जिसकी उन्होंने लिस्ट भी दी। अब इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल भी सामने आ गया है। मीडिया ने इस पर भी डिबेट देखने को मिली। क्रूज शिप पर ड्रग्स पार्टी केस में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी, लेकिन इस मामले का निपटारा कोर्ट में हो उसके पहले राजनीति इसमें अपनी अपनी सुविधा से एंगल ढूंढने में खोजने में लगी हुई है। PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर की राजनीति के बाद सीधे आर्यन खान मामले पर टिप्पणी कर दी और ये कहा कि उसे टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उसका सरनेम खान है, कि चूंकि आर्यन का सरनेम खान है, मुसलमान है, इसलिए उसको केंद्र की एजेंसियां टारगेट कर रही है। क्या आप इस आरोप से सहमत है? आर्यन खान इसीलिए परेशान, आर्यन खान को आज राहत नहीं मिली, जमानत नहीं मिली तो सियासत अपनी पुरानी आदत पर लौट आई। और सियासत की आदत क्या है? नशे की लत पर लानत भेजने के बजाय राजनीति अपनी उसी रवायत में रंग गई जहां हर रंग धर्म का होता है, हर मूल्यांकन मजहबी होता है। जी न्यूज के पत्रकार सुधीर चौधरी ने अपनी वीडियो में एक तरह से मीडिया को फटकार लगाई इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम से जोड़ने के लिए। अब हम अपने देश की बात करते हैं कि हमारे देश के लोग क्या चीन के बारे में बात कर रहे हैं या किसी और चीज के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे देशों की, हमारे देश के लोगों की, आम जनता की चिंता क्या है? हमारे देश के जो पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो किस चीज को लेकर चिंतित हैं? वो इस बात को लेकर चिंतित हैं और इस पर बहस कर रहे हैं कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत क्यों नहीं हो रही। और उनका मानना है कि जमानत इसलिए नहीं हो रही क्योंकि शाहरुख खान एक मुस्लिम सुपरस्टार है। वर्ष 2010 में शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था माई नेम इज खान, और हमारे देश की सारी विभाजनकारी ताकतें अब यही साबित करने में लगी हैं कि खान होने की वजह से ही शाहरुख खान के परिवार के साथ ये सब हो रहा है। सच ये है कि शाहरुख खान सुपरस्टार आज इसलिए नहीं है क्योंकि वो मुसलमान है। वो देश के इतने बड़े सुपरस्टार इसलिए हैं क्योंकि वो एक शानदार एक्टर हैं, उनमें एक करिश्मा है, उनमें काबिलियत है। पर उनका खुद का चैनल जी न्यूज शाहरुख खान और आर्यन खान के मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम एंगल पर डिबेट कर रहा था। लेकिन उसी कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को इस बात की तकलीफ है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को NCB इसलिए टारगेट कर रही क्योंकि उनका सरनेम खान है, यानी आतंकियों की टारगेट किलिंग पर तो वो चुप रहती हैं। जहां धर्म देख करके, पूछ करके किलिंग की जा रही है, वहीं वो ये कह रही हैं कि आर्यन क्योंकि खान है इसलिए वो परेशान है। यूं कहें कि उल्टा जम्मू कश्मीर प्रशासन पर वो निशाना साधती हैं, लेकिन जब ड्रग्स मामले में जांच एजेंसी कार्रवाई कर रही है तो उन्हें ये बात पच नहीं रही। ये ड्रग का नेटवर्क कितना बड़ा है और कितना खतरनाक, इसके बारे में एक कुछ जानकारी YouTube चैनल द देशभक्त ने अपनी वीडियो में दी। ड्रग ट्रैफिकिंग के मामले में इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसकी लोकेशन। हमारे एक तरफ है वो तीन देश जिन्हें ट्रैफिकिंग की दुनिया में कहा जाता है गोल्डन क्रेसेंट, और दूसरी तरफ है वो तीन देश जिन्हें कहा जाता है गोल्डन ट्रायंगल।
गोल्डन क्रेसेंट की माने तो तीन वो देश ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इनफैक्ट दुनिया का 80% ओपियम की खेती अफगानिस्तान में की जाती है, फिर वहां से ईरान और पाकिस्तान के थ्रू होते हुए इसे स्मगल किया जाता है। मुंद्रा पोर्ट पे पकड़ी गई जो हीरोइन की खेप थी वो ईरान के रास्ते अफगानिस्तान से आई थी। गोल्डन ट्रायंगल में जो तीन देश हैं, ये देश हैं लाओस, म्यांमार और थाईलैंड। अफगानिस्तान के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा ओपियम और हीरोइन की सप्लाई हिस्टोरिकली म्यांमार से आई है। हालांकि अब बात करते हैं लखीमपुर की घटना में गोदी मीडिया की भूमिका की। भले ही मीडिया आज भाजपा से सवाल कर रहा है कि अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, लगभग हर मीडिया चैनल इस पर ही सवाल कर रहा है और उत्तर प्रदेश पुलिस पर भी सवाल उठा रहा है। मांगे उठ रही है कि मंत्री जी को इस्तीफा देना होगा, इस्तीफा होगा क्या? नलिन कोहली जी, सवाल तो पूछना पड़ेगा कि ये कौन सा लॉ है, कौन सा कानून है जिसमें इस तरह की ढील दी जाती है आरोपी। जब लखीमपुर की घटना की खबर सामने आई तो कुछ वीडियोस भी सामने आए जिसमें कुछ लोगों को लाठियों से मारा जा रहा था। इसके बाद मीडिया डिबेट्स में किसानों को उपद्रवी और गुंडा बताया जाने लगा। भीड़ ने लिंचिंग, हत्या कर, क्या उसे जायज ठहराया जा सकता है? इन लोगों के लिए न्याय की आवाज कौन उठाएगा? आरोप है कि प्रदर्शन में शामिल किसानों ने एक युवक को पीट पीट कर मार डाला। वो युवक घायल था, उसकी जान बचाई जा सकती थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों के सिर पर खून सवार था। एक और वीडियो सामने आया है जिसमें कथित तौर पर प्रदर्शनकारी एक दूसरे युवक को धमका रहे हैं। इस घटना में कुछ किसानों के मरने, घायल होने की खबर आई। इसके साथ ही एक पत्रकार और भाजपा कार्यकर्ता के मरने की खबर भी सामने आई। वहां मौजूद किसानों ने इल्जाम गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर लगाया। इसके बाद मीडिया ने खालिस्तान एंगल ढूंढ लिया और इस घटना को खालिस्तानी साजिश बताना शुरू किया। लखीमपुर में बवाल से पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। खालिस्तानी टास्क फोर्स ने ललकार किसान नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जिसमें पूरी प्लानिंग की गई थी, जो इस पूरे के पूरे प्रकरण के पीछे है, जिस साजिश के माया जाल में लखीमपुर फंस चुका, जिस साजिश के माया जाल बुनी जाती है खालिस्तानी समर्थकों के द्वारा। इसके बाद विपक्षी नेताओं ने लखीमपुर जाना शुरू किया, मीडिया विपक्ष पर सवाल उठाने लगा। इसके बाद एक वीडियो वायरल हुई जिसमें थार जीप किसानों को कुचल रही थी। इस वीडियो पर कुछ पत्रकारों द्वारा बताया गया कि गाड़ी के शीशे टूटे हैं। इसकी वजह बताई गई कि किसानों ने पत्थर मारे होंगे जिस वजह से कार बेकाबू हुई और किसानों पर चढ़ गई। टाइम्स नाउ के पत्रकार सुशांत सिन्हा ने कुछ ऐसा ट्वीट किया, लेकिन इसके बाद कुछ और वीडियो सामने आई जिसमें स्थिति और साफ हो गई। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस और सरकार को फटकार लगाई, जिसके बाद आशीष मिश्रा को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया और हिरासत में रखा। विपक्ष गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग कर रहा है ताकि जांच निष्पक्ष हो सके कि जिस व्यक्ति ने हत्या की है उस व्यक्ति के पिता हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर, और इसीलिए जब तक वह व्यक्ति मिनिस्टर है तब तक सही जांच और न्याय नहीं मिल सकता है। यह बात हमने हिंदुस्तान के राष्ट्रपति जी को बताई और हमने उनसे कहा कि देखिए, यह सिर्फ इन परिवारों की आवाज नहीं है, ये हिंदुस्तान के हर किसान की आवाज है। उस आवाज को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है। लखीमपुर की घटना के बारे में धीरे धीरे गोदी मीडिया की राय बदलती चली गई और आर्यन खान ड्रग केस में हिंदू मुस्लिम का एंगल शामिल हो गया। इस पर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।